और इस वक्त की बड़ी खबर, IC 814 विवाद पर नेटफ्लिक्स का स्टेटमेंट। डिस्क्लेमर में आतंकियों के नाम कोड दिखाए जाएंगे, आतंकियों के असली नाम कोड शामिल किए जाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर, नेटफ्लिक्स की तरफ से बाकायदा ये स्पष्टीकरण जारी किया गया है। डिस्क्लेमर में आतंकियों के असली नाम असली कोड दिखाए जाएंगे। दरअसल आतंकियों के हिंदू नाम को लेकर कुछ संगठनों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी और बाकायदा इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। अब नेटफ्लिक्स ने इसको लेकर ये स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि डिस्क्लेमर में आतंकवादियों के असली नाम कोड शामिल किए गए हैं। अब से इसे सीरीज का हिस्सा दिखाया जाएगा असली नामों के साथ।